Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 5 states of matter, and in this video I will discuss here the how to calculate the value of R in different unit. ये बहुत ही important है और ये confusing भी है कि R का value जो है different unit में change हो जाता है. हम कहते हैं कि R का वैल्यू क्या होगा, हम बार बार हमको क्वेश्चन में पूछना पड़ता है. जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको R की वैल्यू की प्रॉब्लम आती है कि कौन सा R वैल्यू यहाँ पर हम लगाएं. तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि R की वैल्यू ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर. क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि आपका इक्वेशन है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी. तो R यदि आपको चाहिए तो R इक्वल टू क्या लिखोगे, पी वी अपॉन वॉट एन टी, एन टी होगा. एन जहाँ पर क्या है, ये मोल है, ये मोल है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. टी जो है ये भी हम जानते हैं, ये हमेशा केल्विन में होता है, क्या होगा केल्विन में. तो ये तो दो फिक्स है, लेकिन वेरी क्या करता है हमारा, प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम का डिफरेंट यूनिट होता है. जैसे प्रेशर का आप जानते हो, हम एटीएम में भी ले सकते हैं, बार में ले सकते हैं, पास्कल में ले सकते हैं, किलो पास्कल में ले सकते हैं, हम उसको एमएमएसजी में ले सकते हैं. तो डिफरेंट यूनिट हम यूज करते हैं प्रेशर का. उसी तरह से वॉल्यूम का भी यूनिट चेंज होता है, कभी हम लीटर में लेते हैं, कभी एमएल में लेते हैं, कभी सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, कहीं डेसीमीटर क्यूब पर ले लेते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, कहीं मीटर क्यूब ले लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि आपका यूनिट चेंज हो जाता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का यूनिट चेंज हो जाता है. तो आर वैल्यू भी जो होता है वो क्या होता है आपका, चेंज हो जाता, आर वैल्यू भी चेंज होता है. ठीक है, आर वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाता है. अब आप देखो R वैल्यू भी क्या होता है, चेंज करता है. हम ये देखते हैं कि R का वैल्यू कैसे रिलेटेड है प्रेशर एंड वॉल्यूम से. तो इसको हम पहले कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे पहला कंडीशन देखो, जैसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आप देखो क्या होगा. फर्स्ट कंडीशन कहता है क्या कि यदि हम प्रेशर का यूनिट ऑफ प्रेशर क्या ले लें, यहाँ पर पास्कल में ले लें. सपोज करो क्या है, पास्कल में और यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है हम कैस में ले लें, तो इसको अभी हम मीटर क्यूब में ले लें. तो R का वैल्यू क्या होगा, हम कैसे इसका R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सिर्फ आपको यही इक्वेशन को लर्न करके रखना है और यहीं से वैल्यू को पुट कर दोगे तो R का वैल्यू आपको निकल जाएगा और फिर यूनिट भी निकल जाएगा. हम यूनिट के अकॉर्डिंग R का वैल्यू को रखते हैं. अब आप देखो, जब हमने प्रेशर को किस में लिया, पास्कल में लिया, वॉल्यूम को हमने किस में लिया, मीटर क्यूब में लिया, तो R का यूनिट क्या होगा, ये तो पता चल गया कि R का यूनिट क्या होगा, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, यही तो होगा यूनिट. क्या हो जाएगा R का यूनिट जो होगा, यदि यूनिट ऑफ R यदि हम देखें, यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पास्कल इनटू वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर क्यूब. और हमने क्या लिया है, N का तो हमेशा मोल होता है, मोल, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है. तो यूनिट क्या निकल के आ गया, पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, यही हम यूनिट रखेंगे. लेकिन अब इसका R का वैल्यू क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है कि R का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा. यदि हमने पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल यदि रखा है तो फिर R का वैल्यू क्या होगा. अब हम वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो R इक्वल टू हमारे पास है पी वी अपॉन एन आर टी. देखो इसमें क्या करना है, हम पास्कल में ले रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 ATM इक्वल टू कितना पास्कल होता है. 1 ATM इक्वल टू होता है 10 1325 पास्कल.
एटीएम के जगह पर प्रेशर में एटीएम होना चाहिए, एटीएम के जगह पर हम क्या रख दिए यहाँ पर पास्कल रख रहे हैं, तो हमको ये भी वैल्यू रखना पड़ेगा। वॉल्यूम में हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम यहाँ क्या रख रहे हैं मीटर क्यूब, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू हो जाता है 10^-3 मीटर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आर का वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या हो गया, ये तो हमारा, बाकी एन तो हमेशा क्या होता है मोल में ही होता है, तो ये 1 मोल होता है, और टी क्या लेना पड़ता है, तो 273.15 केल्विन लेना पड़ता है। अब आप सबका वैल्यू को पुट कर दो इसमें, आपका वैल्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा। देखो क्या करना है, तो सिंपल हमको आर का वैल्यू निकालने के लिए P V P × V/N T रखना था, तो P के जगह पर हमको क्या रखना है वैल्यू, तो रखना है 101325 नीचे लिख देता हूँ इस पे से, हम लिख रहे हैं 101325 पास्कल। वॉल्यूम हमको एसटीपी पर कितना लेना है, तो 22.4 लीटर होता था, इसको मीटर क्यूब में कर रहे हैं, तो × 10^-3, ये ध्यान रखना 22.4 लीटर इक्वल टू 22.4 × क्या हो जाएगा 10^-3 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ मीटर क्यूब में ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको लीटर को पहले मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। अब मोल को तो हम 1 मोल ही लिखेंगे, 1 मोल, और टी को क्या रखेंगे 273.15 केल्विन रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, सो देखो हमारा वैल्यू इसको सॉल्व करने पर जो आता है इसमें, वो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यू अप करोगे, तो आपका वैल्यू आएगा 8.3144, और यूनिट क्या होगा, पास्कल होगा, मीटर क्यूब होगा, और क्या हो जाएगा पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। इसी तरह से आर के वैल्यू को रख के हम डिफरेंट यूनिट में रख के हम निकालते हैं। अब एक और हम वैल्यू लेते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगा उस कंडीशन में, जब हमने क्या किया यहाँ पर यूनिट जो रखा, सेकेंड केस हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस हमने देख लिया, अब सेकेंड केस हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने क्या रखा कि यूनिट ऑफ प्रेशर जो हमने ले लिया वो ले लिया एटीएम में, एटीएम में हमने रख दिया इसको, और हमने यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या रखा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम हमने किस में रख दिया, लीटर में। आप देखो सिंपल होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है R = P × V/NT। तो देखो प्रेशर के लिए हमने क्या यूज किया, 1 atm, वॉल्यूम के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, लीटर, तो लीटर कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर है। अब हम क्या करेंगे एन का वैल्यू, एन तो 1 मोल ही होगा, टी हमारा 273.15 ये तो वेरी करता ही नहीं है, सिर्फ हमको वॉल्यूम का यूनिट चेंज करना पड़ता है और इसका चेंज करना पड़ता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.0821 लीटर, क्या कहेंगे लीटर एटीएम, और क्या हो जाएगा केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स। आप इसको चेंज कर सकते हो, एटीएम लीटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर की वैल्यू अब आपको ये हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, जब आर का यूनिट होगा लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, उस कंडीशन में ये आएगा आपका।
और जब आप कह सकते हो कि जब प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि मोल और टेम्परेचर इसका तो चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, तो प्रेशर का यूनिट जब हम एटीएम में लेंगे और किस में लेंगे, वॉल्यूम जब हम लीटर में लेंगे, तो ये आएगा आपका। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितना आपका आ जाएगा। एक और केस में बता रहा हूँ आपको, केस थर्ड दी हम चल रहे हैं, थर्ड में। तो यहाँ पर प्रेशर जो हमने लिया, प्रेशर का यूनिट हमने क्या रख दिया यहाँ पर, तो प्रेशर का यूनिट हमने बार रख दिया, बार। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि 1 atm इक्वल टू 1.013 बार होता है। तो हम 1 atm इक्वल टू 1 bar कह सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी नेग्लिजिबल है। तो 1 atm कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 1 bar हम रख देते हैं। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को यहाँ पर हम किस में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में ले लें, डेसीमीटर क्यूब में ले लें। तो डेसीमीटर आप जानते हो कि 1 liter इक्वल टू होता है 1 decimeter cube। तो 22.4 liter ऑफ गैस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 22.4 decimeter cube हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर ही है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो R इक्वल टू प्रेशर के जगह पर 1 bar आप रख दो और इसके जगह पर 22.4 decimeter cube आप रख दो, और ये 1 mole हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो टेम्परेचर 273.15 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका वैल्यू आता है 0.0831 bar, क्या कहोगे, डेसीमीटर क्यूब, और मोल इन्वर्स एंड केल्विन इन्वर्स आएगा। थैंक यू। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और यूनिट में कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी आर का। थैंक यू।